मेरा प्रणाम सबके लिए। आज हमारे नारायण गुरुदेव की, श्री नारायण गुरुदेव की जयंती है। आप सबको मालूम है श्री नारायण गुरुदेव सभी को यज्ञों पवित्र डालने की, नीचे दर्जे में रहने वाले अधकृत मनुजों को ऊपर लाने के लिए बहुत कोशिश किया है। इतना कोशिश किया स्वामी विवेकानंद के राय के आधार पर हम बता सकते हैं कि भ्रांतालय को, भ्रांत मीन्स क्रेजी, मेंटली डिस्टॉर्टेड हाउस, इसको देवालय, अबोर्ड ऑफ द गॉड बनने के लिए, बनवाने के लिए जो कोशिश किया है, तो केरला में श्री नारायण गुरु की नाम और कर्म निरतत्व बहुत सारे लोग स्वीकार करते हैं। यही दिन एक और बात बताने के लिए मैं इस अवसर की प्रयोग करता हूं। आपको मालूम है केरला में स्यूडो सेकुलरिस्ट बहुत ज्यादा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ईसाई लोग तो मुसलमान लोगों को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई कुछ करना है तो इसको माता निरपेक्षत के विरुद्ध है बोल के डिक्लेयर करते हैं, इसको निकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि थोड़ा थोड़ा मुस्लिम सामान्य लोग, बहुत सारे ईसाई लोग हमारे हिंदू धर्म की आचार विचार को स्वीकार करने की शुरू किया है गए 10 साल के इस पार। अब के ईसाई को, ईसाई लोगों की चर्च देखे तो मालूम करता है, मालूम होता है कि ध्वज स्तंभ, बहुत सारे चर्च में ध्वज स्तंभ है, जैसे हमारे हिंदू क्षेत्र में है, मंदिर में है, हमारे जैसे दीप जलाते हैं उधर भी कैंडल के बाद, कैंडल के तौर पर ओ कावी वस्त्र साफरन, त्याग की मूर्तिमत भाव वोकल साफरन ड्रेस पहन करते हैं, बाइबल को भी वेद पुस्तक, वेद किताब के रूप में वो मालूम करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वेद में जो बताया है वो ईसाई के बारे में भी है, येसुदेव के बारे में प्रजापति के रूप में वेद में बताया है, इसके बारे में वो भी बहुत सारे बोलते हैं आजकल। मतलब होगा ऐसा, ईसाई लोग को मालूम हो गया होगा कि अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ईसाई धर्म परिपालन करने वाले आदमी लोगों की संख्या बहुत कम हो रहा है, वो चर्च में जाने वाले बिल्कुल नहीं है, वो चर्च की बिल्डिंग तो ऑक्शन कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो क्रिश्चियनिटी में जो बताया है, बाइबल में जो बताया है, इसको स्वीकार करने के लिए आज की एजुकेटेड लोग नहीं है, तो स्वीकार करने की जन सामान्य नहीं है, तिरस्कार हो रहा है। इसलिए भारत में भी ईसाई लोगों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि केरला से जाने वाले वो प्रीस्ट लोग, प्रीस्ट लोग चर्च में काम करके वो बहुत सारे नेगेटिव पंथा से चालू रूप में कन्वर्शन करता है भारत, पूरे भारत में। वो लोग सामान्य रूप से मालूम करने के लिए शुरू कर दिया है कि लो ये दुनिया में ईसाई लोगों की संख्या कम हो रहा है, हिंदू धर्म मिशनरी के बिना भी बहुत सारे लोग में, बहुत सारे राज्य में लोग स्वीकार करने के लिए शुरू किया है। कोई सन्यासी नहीं है, ऋषि नहीं है, पोप नहीं है, बिशप नहीं है, मेहतरान नहीं है, कार्दिनाल नहीं है, इसके बिना हमारे धर्म, सनातन धर्म की स्वीकार करने वाली जन सामान्य की संख्या हर दिन बढ़ रहा है विकसित राष्ट्र में भी। इसलिए ईसाई लोग केरला में ऐसा कर रहे हैं, हिंदुओं की आचार विचार विश्वास ग्रंथ
सबको पूर्ण रूप से या भागिक रूप से स्वीकार करने के लिए शुरू किया है। बहुत सारे सामान्य पद भी वो क्रिश्चियनिटी की पद छोड़कर हिंदू की पद स्वीकार किया, भाषा प्रयोग भी हिंदू के जैसे करने के लिए शुरू किया है। आप मालूम करना है कि परसों केरला की राज्य उत्सव है ये तिरुवोणम। आपको मालूम है श्रावण मास की तिरुवोणम, ओणम सेलिब्रेशन में केरला लोग बहुत, दुनिया में किधर भी होने रहने दो, ओणम सेलिब्रेट करता है। आज तो केरल के बाहर, केरल के अंदर, भारत के बाहर, भारत के अंदर, जहां जहां मलयाली लोग हैं, केरला लोग हैं, ये पूरा लोग ईसाई मुसलमान हिंदू सभी एक साथ मिलकर ओणम सेलिब्रेट करता है। ओणम की कहानी महाबली की कहानी है, वामनावतार की कहानी है। महाभागवत में, महाभारत में ये कहानी है, महाबली की कहानी, वामनावतार की कहानी, पूरा हिंदू धर्म की आधार के एक त्योहार है तिरुवोणम सेलिब्रेशन करना। आप इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म में जो जो है, आपको मालूम है कर्कटक का मंत्र, कर्कटक की महीना हम केरला में रामायण महीना के जैसे सेलिब्रेट करता है। क्रिश्चियंस बाइबल महीना शुरू किया है। हमारे जैसे महाविष्णु की लक्षार्चना है, येशु लक्षार्चना शुरू किया है। कृष्ण भागवतम है, क्रिस्तु भागवतम को रचना किया है। भगवत गीता है, क्रिस्तु गीता के बारे में लिखा है। तो भारतीय पैतृक सांस्कारिक मूल्य को स्वीकार करके अपने मत को, अपने रिलीजियन को, धर्म को हर दिन एनरिच करने की कोशिश वे लोग कर रहे हैं। ये कारण बहुत होगा, हिडन एजेंडा होगा, ओपन एजेंडा होगा, लेकिन क्या हुआ, तिरुवोणम डे, ओणम सेलिब्रेशन के दिन परसों 4 सितंबर में क्या हुआ मालूम है आपको, इन एर्नाकुलम, एर्नाकुलम में काकनाड बोले तो एक जगह है, वो उसके सामने वाजक्काला नाम की एक जगह भी है, उधर सेंट जोसेफ चर्च है, सेंट जोसेफ चर्च, उधर की आराधना बिल्कुल हिंदू मंदिर की जैसी था। जैसे हिंदू मंदिर में आचार्य पुरोहित या पुजारी आते हैं पूरा केरल की वेश में, केरल की धोती, केरल की दुपट्टा, ऊपर धोती, चंदन लगाकर, बहुत सारे क्राइस्ट भक्तों को, ईसाई लोगों भी उधर आए, राय के बिना, दूसरे राय के बिना, कॉन्फ्लिक्ट के बिना एक साथ हिंदू जैसे मंदिर में जाने के लिए अपने ड्रेसिंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार चंदन के साथ ये चर्च में गए सभी लोग, औरतें और आत्मियों एक साथ हिंदू मंदिर, जैसे हिंदू लोग जाते हैं ठीक उसी प्रकार ईसाई लोग उधर जाकर अपने आराधना किया है। अपने ईसाई गीत भी ओणम गीत के समान, प्रार्थना भी मलयालम और संस्कृत, देव भाषा संस्कृत और मलयालम राज्य भाषा के साथ मिलकर ए पुजारी के जैसे लोग तो अल्तारा अल्टर में देखे पूरे पूरे हिंदू धर्म के स्वीकार करके। आप सोच विचार कीजिए, 127 करोड़ पीपल इन इंडिया, हिंदू लोगों के लिए 33 करोड़ देवता संकल्प है, हजारों आचार्य भी है, आचार विचार विश्वास सब कुछ लेने के लिए हमको कोई बिल्कुल तकलीफ भी नहीं है। आप सोच विचार कीजिए, हमारे आचार्यों के साथ प्रवाचक मोहम्मद नबी को ठीक उसी प्रकार देव पुत्र येशु को भी हमारे हजारों आचार्यों के साथ लिए तो क्या होगा, एक जीसस, एक नबी त्रिवेणी। ठीक उसी प्रकार हमारे साथ तो 2000 आधिकारिक अधिष्ठान ग्रंथ है, 10,000 कमेंटरी व्याख्यान है, 1,00,000 उपाख्यान भी है, सब कमेंट्री भी है,
हजारों ग्रंथों के साथ एक बाइबल रहने के लिए हिंदू लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, इसको तो इनकार करने की जरूरत भी नहीं है। आप सोचिए एक घोरान भी इसके अंदर डालने के लिए हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्यों बोले तो हमारे हजारों ग्रंथ हमारे साथ है, हजारों आचार्य है, हजारों ईश्वर संकल्प भी है, लेकिन वो लोग तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। आज ऐसा हो रहा है केरला में, थोड़ा थोड़ा मुस्लिम लोग बकरीद में बकरी काटने के लिए इनकार किया, अहिंसा की प्रतिरूप भारत में बकरी काटने की जरूरत नहीं है बोल के बकरी काटने को निकाल दिया हमारे आचार से। बहुत सारे मुसलमान लोग तो हिंदू लोगों को स्वीकार करते हैं, मुसलमान लोग ओ मंदिर में जाने के भी शुरू किया है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं है, लेकिन ईसाई लोग ऐसा नहीं है, बिल्कुल हिंदू आचारों की स्वीकार किया है। तो ये तीन विभाग लोगों की सेपरेट करने की दरवाजा की ऊंचाई कम हो रहा है। तो ये दरवाजा, ये गिड़की सब कुछ निकाल दिया तो क्या होगा? हम कोई कोई भगवान की आराधना किया कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ग्रंथ की स्वीकार कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू लोगों को भी ऐसा है, श्री कृष्ण की पूजा करने वाला है, महादेव की पूजा करने वाला है, गणेश की पूजा करने वाला है, हनुमान जी की पूजा करने वाला है, तो ठीक उसी प्रकार हिंदू लोग जो ईसाई लोग की यीशु देव को, अल्लाह को, यहोवा को, प्रॉफिट को पूजा करना या आराधना किया तो कोई तकलीफ नहीं है, अब एक साथ आ सकता है। ये मत की धर्म की गिड़की और दरवाजा और दीवार को निकालने के लिए हम कोशिश किए तो बहुत अच्छा होगा। सुसहना भवतु सहनम। आज तो ऐसा हुआ, मैंने सुना, मैंने देखा टीवी में, तो आपसे बताने के लिए यही दिन, दिस इज फोर्थ ओणम डे, नालाम ओणम हम तो मलयालम में कहते हैं, फोर्थ ओणम डे, लास्ट डे ऑफ ओणम, इस दिन की इंपॉर्टेंस ये भी है, श्री नारायण गुरुदेव की 164th बर्थडे, इसकी महत्व भी है। तो आज मैं आपसे हिंदी में भी ये बताना चाहता हूं, क्यों बोले तो ये दिन की महत्व उतना है। प्रणाम, नमस्कार।